हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी। कंपटीशन कम्युनिटी में आपका स्वागत है। जैसा कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की वैकेंसीज निकाल दी गई हैं, और ये कैटेगरीज जो है सभी विद्यार्थियों के लिए है जो 12वीं पास हैं और जो स्नातक यानी कि ग्रेजुएट हो चुके हैं। इस बार रेलवे ने जो वैकेंसी निकाली है वो नॉन टेक्निकल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। टेक्निकल वैकेंसीज तो बहुत आती है, बट ये नॉन टेक्निकल जो है कम ही आती है, और ये नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज जो है इस बार रेलवे ने निकाल दी है। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि इस वैकेंसी में कौन कौन से पद निकाले गए हैं और इसके लिए किस प्रकार की प्रक्रिया होगी, फॉर्म भरने की डेट कब है और फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब है, इन सभी चीजों को हम समझेंगे। और ग्रेजुएट के लिए कितने पोस्ट निकाले गए हैं, और 12th पास जो स्टूडेंट हैं वो भी जो तैयारी करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, उनके लिए कितने पोस्ट निकाले गए हैं, इसे भी हम आज समझेंगे। चलिए सबसे पहली बात की जो रेलवे ने आरआरबी एनटीपीसी ने जो वैकेंसी निकाली है उस वैकेंसी को फॉर्म भरने की डेट आप ध्यान रखिएगा। वैकेंसी को फॉर्म भरने की जो डेट है, एप्लीकेशन जो आपको फॉर्म भरना है वो है 14 सितंबर 2024 से आपको फॉर्म भरना शुरू कर दिया गया है। फॉर्म अप्लाई करने का डेट जो है 14 सितंबर दिया गया है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि 15 अक्टूबर तक यहां पर लास्ट डेट बता दी गई है। तो 15 अक्टूबर यहां पर आपके पास लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, और 14 सितंबर से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। अब बात यह ध्यान रखना है कि ये जो डेट है ये एक अलग नोटिफिकेशन आया था जिसमें आपको ग्रेजुएट जो छात्र यहां पर स्नातक हैं या ग्रेजुएट हैं, उन ग्रेजुएट छात्रों के लिए यहां पर वैकेंसी जो निकाली गई थी उस वैकेंसी के लिए इस फॉर्म को भरा जा रहा है, और उनके लिए जो डेट है 14 से 15 अक्टूबर तक है। और जो ग्रेजुएट छात्रों को यहां पर फॉर्म भरना है उसमें अगर वैकेंसी की बात करें तो कौन कौन से पद निकाले गए हैं जो ग्रेजुएट वाले स्पेशली भरेंगे, स्नातक वाले, तो उसे ध्यान से आप देख लीजिए। यहां पर तो स्नातक जो छात्र हैं उनके लिए यहां पर जो वैकेंसी है उसमें है आपके पास चीफ कमर्शियल, टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर। सबसे ज्यादा जो है स्टूडेंट इसी के लिए, इसी पोस्ट की वैकेंसी के लिए इंतजार करते हैं, स्टेशन मास्टर। साथ ही साथ गुड्स ट्रेन मैनेजर, जिसको आप गुड्स गार्ड्स के नाम से भी जानते हैं, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये सब पद जो निकाले गए हैं ये जो लेवल 6 और लेवल 5 वाले जो पोस्ट हैं ये केवल और केवल ग्रेजुएट वाले इसमें शामिल हो सकते हैं। ये 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए नहीं है। 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा फॉर्म आपको भर रहे हैं और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है और उसका क्राइटेरिया क्या है, क्लियर है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं सबसे टॉप की जो पोस्ट होती है वो स्टेशन मास्टर की पोस्ट होती है, सेकंड हम लोग देखते हैं गुड्स गार्ड की, बाकी जो आपको टाइपिस्ट के जो पोस्ट दिख रहे हैं, क्लर्क के पोस्ट जो दिख रहे हैं उसके लिए भी यहां पर वैकेंसी निकाली गई है। और अगर हम बात करें तो बिल्कुल ये लेवल 6 और लेवल 5 बहुत ही अच्छे पद हैं जिसकी तैयारी और जिसका फॉर्म आपको भरना ही चाहिए। इसमें किसी प्रकार का एक्स्ट्रा आपको टाइपिंग के लिए अगर आप देखें, जैसे कि यहां पर अगर टाइपिस्ट बोला गया तो यहां पर आपको टाइपिंग आना चाहिए, आपको टाइपिंग का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। इसलिए हर वो छात्र जो केवल स्नातक है वो ये फॉर्म भर सकता है। और कुल पदों की अगर मैं बात करूं जो इनके हिसाब से यहां पर जितने भी पोस्ट हैं टोटल कितने पद हैं, तो टोटल पद की अगर मैं बात करूं तो 8113 पद यहां पर निकाले गए हैं। कितने पद हैं? 8113 जो पद हैं ये केवल और केवल ग्रेजुएट के लिए हैं। अब छात्रों के मन में सवाल है, सर हम तो 12वीं पास हैं और हमारा ग्रेजुएशन खत्म नहीं हुआ है, तो हम कौन से फॉर्म के लिए या कौन से पद के लिए एलिजिबल हैं? तो आपको बता देना चाहूं आपके लिए जो पोस्ट है जो 12वीं पास है, यहां पर ध्यान से देखेंगे जो छात्र 12th पास है, 12th पास स्टूडेंट और साथ ही साथ ग्रेजुएट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और 12th पास भी। तो 12th पास यहां पर 12वीं पास छात्रों के लिए भी यहां पर वैकेंसी निकाली गई है, और 12वीं पास जो छात्र हैं यहां पर 3,445 पदों के लिए क्या है, एलिजिबल हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंटेंट, जूनियर क्लर्क और ट्रेन क्लर्क, ये सब पद निकाले गए हैं, क्लियर है। तो ये जो 4 वैकेंसी है, ये जो 4 पोस्ट है जिसमें लेवल 3 और लेवल 2 के पद निकाले गए हैं, इसे आप भर सकते हैं जो 12th पास हैं। साथ ही साथ ग्रेजुएट वाले भी इस फॉर्म के लिए क्या है, एलिजिबल है। तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो पिछले में 8000 पोस्ट यहां पर और लगभग यहां पर 3000 पोस्ट, तो 11000 लगभग पोस्ट यहां पर
ओवरऑल निकाले गए हैं, जिसमें ये 3,445 पदों के लिए 12वीं के छात्र एलिजिबल हैं, और साथ ही साथ ग्रेजुएट जो छात्र हैं 8,113 पदों के लिए फॉर्म भरेंगे। इसके अलावा अगर आपको ध्यान रखना है तो आप पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो 12वीं के जो छात्र हैं, जो 12th पास स्टूडेंट जो फॉर्म भरेंगे, जिनके लिए मैंने बताया कि उनके लिए चार वैकेंसी निकाली गई है, उनके लिए जो फॉर्म भरने की डेट जो है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 21 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, 21 सितंबर से ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ जो एंड डेट है, यानी कि जिस दिन फॉर्म आपका फिलअप हो जाना है, वो है 20 अक्टूबर। तो ध्यान रखिएगा जो 12th पास स्टूडेंट है वो फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे 21 सितंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट कर चुके हैं, और साथ ही साथ लास्ट डेट को भी ध्यान रखिएगा 20 अक्टूबर क्या है, यहां पर फॉर्म की डेट एंड हो जाएगी। क्लियर है क्या? ठीक, तो यहां पर मैंने आपको बताया कि कौन कौन से पद रेलवे ने निकाले हैं और उसके लिए वैकेंसी की डेट क्या है, कब से कब तक फॉर्म आपको भरना है। क्लियर, अब बात करते हैं हम तैयारी की, कि तैयारी आपको कौन कौन से सब्जेक्ट की करनी है, क्या उसमें किसी प्रकार का कोई नया बदलाव है, क्या कोई फेरबदल है, कितने स्टेज में एग्जाम होगा, उसे हम लोग समझते हैं। तो यहां पर हम बात करें तो एग्जाम की जो प्रोसेस की, तो एग्जाम का जो प्रोसेस है आपको दो चरणों में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो पहला हम जो पॉइंट देख रहे हैं ये है स्नातक जो फॉर्म भरेंगे, जो ग्रेजुएट छात्र हैं, जो स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो सिलेबस है वो ये दिया गया है। तो यहां पर सबसे पहला सीबीटी कॉमन यहां पर जो टेस्ट होने वाला है उसमें अगर बात करें तो ये ऑनलाइन टेस्ट होगा, और ऑनलाइन जो टेस्ट होगा सबसे पहला सीबीटी 1 होगा, उसमें आपके लिए टाइम कितना दिया गया है, 90 मिनट का, 1.5 घंटे का समय है। 1.5 घंटे में, एक समय में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इन 100 प्रश्नों में जो सिलेबस आपको कवर करना है वो सिलेबस आपके पास है जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस के अलावा आपको मैथमेटिक्स, मैथ्स और इसके अलावा रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। इस जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो ये आपका इंडियन जीके है, इसमें आपको छत्तीसगढ़ नहीं पढ़ना है, छत्तीसगढ़ का जीके जल बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, इसमें केवल और केवल इंडियन जीके यानी कि आपका भारतीय सामान्य अध्ययन के बारे में पूछा जाएगा। इंडियन जीके में जैसे कि आप पढ़ते आए हैं पॉलिटी के बारे में, पॉलिटी के आपके प्रश्न आपको देखने मिलेंगे, वैसे ही आपको हिस्ट्री या इतिहास के प्रश्न देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री के अलावा अगर हम बात करें इकोनॉमी के प्रश्न आएंगे और साथ ही साथ ज्योग्राफी के प्रश्न आपको देखने मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस 40 प्रश्नों में आपको करंट अफेयर भी पूछा जाएगा। मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स के जो आपके सिलेबस रहे हैं उसमें आप ध्यान रखिएगा कि ज्योमेट्री भी पूछा जाएगा, तो मैथ्स में जो ज्योमेट्री के साथ में जो प्रश्न बनेंगे वहां पर 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम देखें रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के भी आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहां पर टोटल आपको 100 प्रश्न यहां पर सॉल्व करने हैं 90 मिनट में। क्लियर, तो सबसे पहला जो आपका एग्जाम होगा सीबीटी 1 जिसे हम कहेंगे, सीबीटी 1 जो एग्जाम है केवल और केवल आपको इसमें क्वालिफाई होना है। ये आपकी रैंक डिसाइड नहीं करेगी, केवल और केवल क्या होना है, इसमें आपको क्वालिफाई करना है, केवल एग्जाम निकालना है। जो आपकी रैंक डिसाइड करेगी या जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा वो है आपके पास सीबीटी 2 या सेकंड स्टेज का जो एग्जाम होना है, सेकंड स्टेज जिसे हम कहेंगे, जब सीबीटी 1 छात्रों का निकलेगा तो वो जाएंगे किसमें, सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। तो फर्स्ट स्टेज क्लियर करने के बाद जो स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे वो होंगे 15 गुना। जैसे कि अगर मान लो कि बात 500 पदों के लिए वैकेंसी थी तो 500 का 15 गुना यानी आपके यहां पर जितने भी स्टूडेंट है उनका 15 गुना छात्र क्या है, सेकंड स्टेज में क्या है, पहुंचेंगे। सेकंड स्टेज की भी सिलेबस की बात करूं बिल्कुल सिलेबस सेम है, यहां पर भी आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, यहां पर भी मैथ्स ही पढ़ना है, यहां पर भी रीजनिंग पढ़ना है, बट बदलाव क्या है, बदलाव है प्रेशर का, दबाव का। रेलवे जो है सेकंड जो सीबीटी लेती है उसमें थोड़ा सा बदलाव करती है। क्या बदलाव करती है कि जो 1.5 घंटे का समय जो आपके पास सीबीटी 1 में था वो 1.5 घंटे का समय अभी भी है, 90 मिनट का समय अभी भी है, बट अब क्या कर दिया बदलाव, उसने कर दिया क्या 120 क्वेश्चन। समझ में आ रही चीजें, पहले आपके पास 100 क्वेश्चन थे, अभी उसने कर दिया क्या, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ने के साथ साथ क्या है, एक प्रेशर क्रिएट होता है कि हम कैसे इन क्वेश्चन को, इन प्रश्नों को कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसकी ही तो प्रैक्टिस हमको क्लासरूम में करनी होती है, इसी की प्रैक्टिस अगर आप बार 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 करेंगे तो आप बिल्कुल ये 120 प्रश्नों को भी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे इन लिमिट समय में या जो आपको समय दिया गया है। क्लियर है क्या? अब यहां पर देखिए बदलाव क्या है, 120 प्रश्न जो हो रहे हैं उसमें 50 नंबर आपके
भारतीय सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर के आ जाएंगे, वहीं 35 नंबर हो जाएगा मैथ्स का, 35 नंबर आपका पूछ लिया जाएगा किसका, रीजनिंग का। क्लियर है? तो तीन जो सब्जेक्ट आपने प्रीवियस यानी सीबीटी वन में पढ़ा, वही सब्जेक्ट आपको सीबीटी टू के लिए पढ़ना है, बिल्कुल एक्स्ट्रा कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो रेलवे की अगर तैयारी आप अगर कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल ऐसा टेंशन है तनाव लेने की जरूरत नहीं कि भाई सीबीटी टू में क्या हमको रिटर्न एग्जाम देना होगा, ऐसा कुछ होगा नहीं, बिल्कुल ऑनलाइन टेस्ट ही होगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आपको मिलेगा, ऑनलाइन सेंटर रहेंगे, वहां पर आपको जाना है और वहां पर अपना एग्जाम आपको देना है। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पर क्या कर दिए जाएंगे, बढ़ा दिए जाएंगे। अब इस एग्जाम को जो छात्र पास करेगा उसका ही मेरिट डिसाइड होगा, वही छात्र जो है सिलेक्शन की प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा। क्लियर है? अब सिलेक्शन की प्रक्रिया जब आगे होगी तो जो स्टेशन मास्टर के लिए अगर आगे बढ़ रहा है तो उसके लिए एक साइको टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और इसके अलावा अगर हम बात करें जिनका अगर टाइपिंग टेस्ट है तो उनका टाइपिंग टेस्ट होगा, और देन लास्ट आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आप अपने पद पर चले जाएंगे। क्लियर है क्या? वैसे अगर हम लोग बात करें तो जो आपके 12वीं पास छात्र है, तो ग्रेजुएट के लिए मैंने बताया कि सिलेबस क्या है, ग्रेजुएट का जो नोटिफिकेशन आया उसके लिए सिलेबस क्या है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं बात करूं तो जो 12वीं पास छात्र हैं, 12वीं पास, 12th पास जो स्टूडेंट है, 12th पास स्टूडेंट जो फॉर्म भरेंगे तो उनके लिए क्या प्रोसेस है, तो 12th पास स्टूडेंट को भी यहां पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जो ग्रेजुएट के जो विद्यार्थी या स्नातक के विद्यार्थी जो सिलेबस फेस करेंगे वही बिल्कुल सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। सीबीटी वन की अगर मैं बात कर दूं, सीबीटी वन यानी जो पहली प्रीलिम परीक्षा होगी उसमें भी अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर जनरल अवेयरनेस आपके 40 प्रश्न है, मैथ्स के 30 प्रश्न है और रीजनिंग के तर्क शक्ति के 30 प्रश्न आपको दिए गए हैं। टोटल 100 प्रश्न यहां पर भी है, और टोटल 100 प्रश्न में अगर बात करूं तो यहां पर समय दिया गया कितना, आपको 1.5 घंटे का समय दिया गया है। यहीं अगर हम बात करें तो जैसे हमने देखा था स्नातक वाले जो फॉर्म में यानी एनटीपीसी के स्टेशन मास्टर वाले फॉर्म में देखा कि 15 गुना छात्र किसमें जाएंगे, सीबीटी टू में जाएंगे, तो 15 गुना छात्र यहां पर भी क्या है, सीबीटी टू के लिए एलिजिबल होंगे। सीबीटी टू में जब जाते हैं तो यहां पर भी आप, जैसे मैंने बताया कि आपको यहां पर रेलवे कुछ नहीं करेगा, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं करेगा, केवल और केवल क्या किया उसने, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए, और नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ के कितने हो जाएंगे, 120, जिसमें 50 जनरल अवेयरनेस, 35 और 35 रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और टोटल ड्यूरेशन जो है आपका 1.5 घंटे का ही है। तो मैंने कहा था कि भाई रेलवे केवल क्या करेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा देगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ने से ऑटोमेटिक छात्र जो है गलतियां कर ही देता है। तो उन गलतियों के लिए अभ्यास आपको करना जरूरी है, कि अभ्यास जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ज्यादा आप अपनी गलतियां कम करेंगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग इसमें रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्किंग रहेगा तो आपको यहां पर इतनी चीजों, बिल्कुल इतने सिलेबस और आपके साथ फॉर्म भरने का जो डेट है बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इतनी चीजों को आपको ध्यान समझना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे मैंने बताया था वैकेंसी जो निकली है जैसे ग्रेजुएट के लिए, तो ग्रेजुएट के लिए ये 5 वैकेंसी मैंने बताई थी, जिसमें स्टेशन मास्टर आपके पास, यहां पर सुपरवाइजर, टिकट सुपरवाइजर, सीनियर क्लर्क, गुड्स ट्रेन मैनेजर, ये सब आपके पास पद हैं, जिसमें लेवल 5 और लेवल 6 वाला जो पद है वो स्नातक वाले ही ओनली एलिजिबल है। अब सीबीटी 1 जो होगा सभी वैकेंसी के लिए, सभी पदों के लिए क्या है, कॉमन है, सभी पदों के लिए कॉमन है। ठीक है, इसके बाद इस बार जो नया हुआ है, पिछले बार की नोटिफिकेशन को अगर आप देखेंगे 2019 में जब आया था पोस्ट आरआरबी एनटीपीसी का, उस समय कॉमन फॉर ऑल पोस्ट नहीं था, यहां पर अलग अलग एग्जाम सीबीटी टू में हुए थे, बट इस बार प्लस पॉइंट यह है कि एक सिंगल एग्जाम फिर होगा सेकंड स्टेज सीबीटी में, यानी कॉमन एग्जाम होगा जो आपके गुड्स गार्ड के लिए हो या स्टेशन मास्टर के लिए या क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, सभी के लिए एक ही पोस्ट होगा। उसके बाद यह होगा कि प्रक्रिया क्या है आगे बढ़ेगी, और तीसरे स्टेज में जब पहुंचेंगे तो जिनका टाइपिंग है वो टाइपिंग देंगे, और जो स्टेशन मास्टर के पद के लिए आगे बढ़ेंगे उनके लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। क्लियर है यहां तक, इतनी बात समझ में आ गई होंगी, जो भी चीजें समझ में नहीं आ रही होगी बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ लीजिएगा भाई, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके हर एक डाउट का जवाब यहां पर, आपके हर शंका का समाधान इसमें किया जाएगा। चलिए यहां पर देखिए, अब बात आती है सर कि रेलवे में हमने सुना है कि मेडिकल में कई लोग छात्र जो है अनफिट हो जाते हैं, और अनफिट होने के कारण वो बाहर हो जाते हैं, तो यहां पर मैं बता दूं जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के समय आपको प्रिफरेंस पूछा जाएगा कि किस पद को आप टॉप में या सबसे पहले रखना चाहते हैं। ठीक है, तो उस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा
ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सीक्वेंस ऑर्डर जमाना है और इसी के अकॉर्डिंग फॉर्म भरना है। तो यहां पर मैं बता देना चाहूं, जिनके आई में या चश्मे का चश्मा जिन्होंने पहना हुआ है, जिनका पावर ज्यादा है, चश्मे का पावर ज्यादा है, उनके लिए ऑर्डर अलग रहेगा। और जिनके चश्मे का पावर कम है या जिनको नॉर्मल विदाउट ग्लास वो देख सकते हैं या किसी प्रकार की समस्या उनकी आंखों में नहीं है, तो उनके लिए जो प्रिफरेंस का जो तरीका है वो अलग होगा। ध्यान समझिएगा, अगर मैं बात करूं जिनके ग्लास लगी हुई, जिनका चश्मा लगा हुआ, जिनके आंखों में चश्मा है, ठीक है, आंखों में ऐसा है कि उनको पावर बढ़ा हुआ है ना, पढ़ने लिखने में थोड़ी समस्या होती है विदाउट ग्लास, उनके लिए सबसे बेस्ट ये है कि वो जितने टाइपिंग वाले पद हैं, टाइपिंग वाले पद मतलब कि सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट, इसके अलावा चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, सबसे पहले आपको इनको प्रिफरेंस में रखना है, इनको प्रेफरेंस में रखना है, क्लियर है। टाइपिस्ट वाले जितने पद हैं उनको प्रेफरेंस में रखिए, उसके बाद जो है आप गुड्स गार्ड और उसके बाद स्टेशन मास्टर को रखिए। हाँ, भले स्टेशन मास्टर टॉप की पोस्ट है, बट आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना तो आप सबसे पहले ये फॉर्म जब भर रहे हैं तो प्रेफरेंस ऑर्डर को सही से जमा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं जिन छात्रों का बिल्कुल ग्लास नहीं लगा हुआ है, चश्मा नहीं लगा हुआ है, उनके लिए बेस्ट ये है कि सबसे पहला प्रेफरेंस उनका स्टेशन मास्टर होना चाहिए और सेकंड में क्या होना चाहिए, गुड्स गार्ड होना चाहिए। बाकी आप ये तीन जो टाइपिस्ट के पोस्ट हैं उसे भी प्रेफरेंस ऑर्डर में जमा सकते हैं, क्लियर है क्या, ठीक है। देखिए लेवल 6 के पोस्ट को हमेशा ऊपर रखिएगा, तो यहां पर जैसे अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप इसे रख सकते हैं तीसरे नंबर पर, इसे रख लो चौथे पर, इसको पांचवें पर रख लीजिए, क्लियर है क्या। क्योंकि देखिए गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर में देखिए लेवल का फर्क है ना, इस बात का ध्यान रखिए। कई छात्र गुड्स गार्ड को भी रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप वहां पर अपने हिसाब से यहां पर चीजों को सेट कर सकते हैं, बट यहां पर बस मैं आपको बताना चाहता हूं जिनकी ग्लास है, जिनको चश्मा लगा हुआ है, वो स्टेशन मास्टर को प्रेफरेंस में मत रखिएगा। और जिनका चश्मा नहीं लगा हुआ, जिनको चश्मा नहीं लगा हुआ यानी ग्लास नहीं पहनते, वो क्या करेंगे, यहां पर स्टेशन मास्टर को प्रेफरेंस में रख लेंगे, क्लियर है क्या, ठीक। तो यहां पर इतनी चीजें बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर मेडिकल जो है, मेडिकल इनका लास्ट जो मेडिकल टेस्ट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है और उसके अकॉर्डिंग ही क्या है आपको पद या पोस्ट मिलते हैं। वैसे अगर हम बात कर ले यहां पर भी, अगर आप देखते हैं तो ये पूरे के पूरे अगर 12वीं पास वाले यानी जो 12th पास जो स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे, 12th पास स्टूडेंट जो फॉर्म भरेंगे उसके लिए भी यही तरीका बताया गया कि जो आपका पहला स्टेज होगा सीबीटी होगा कॉमन होगा और सेकंड सीबीटी भी क्या होगा कॉमन होगा। दो पोस्ट में अगर बात करें, क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये टाइपिंग की जो पोस्ट है ये टाइपिंग स्किल टेस्ट दोनों में होगा। और दो जो पद हैं जिसमें आप ट्रेन क्लर्क का देख रहे हैं, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का जो देख रहे हैं, इन दो पदों में स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इन दोनों को टाइपिंग देना पड़ेगा, टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा, इनको नहीं देना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, प्रिफरेंस ऑर्डर जब जमाएंगे तो लेवल 3 वाले को आप क्या कर लीजिएगा, पहले ऑर्डर में रख लीजिएगा, इसे ही पहले रख लीजिएगा, ताकि आपको दो एग्जाम देने के बाद, सीबीटी देने के बाद आपको किसी प्रकार का स्किल टेस्ट ना देना पड़े, ये बढ़िया रहेगा। इसके बाद आप जो टाइपिंग स्किल टेस्ट वाले हैं उसको नीचे रख लीजिए आराम से, उसके बाद टाइपिंग भी जो इसके लिए एकदम नॉर्मल मंगी गई है ना, ये डिटेल आपको मैं और जानकारी बाद में दूंगा, बट इतनी बात ध्यान रखिएगा टाइपिंग भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है। फिर से मैं आपको बता दूं, टाइपिंग के लिए कोई सर्टिफिकेट यहां पर नहीं मांगा जाएगा, आपको हिंदी टाइपिंग आती तो हिंदी कर लीजिए, इंग्लिश आती तो इंग्लिश कर लीजिए, ठीक है। और वैसे भी अगर किसी छात्र को टाइपिंग नहीं भी आता तो आज से अगर थोड़ा थोड़ा आधा आधा घंटा का समय आप देते हैं तो सफिशियंट है, आप ये टाइपिंग आसानी से कर लेंगे, आप सिलेक्शन ले लेंगे, क्लियर है क्या। तो यहां तक आपको मैंने पूरा का पूरा आरआरबी एनटीपीसी की दो नोटिफिकेशन आई है, यहां पर मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूं, यहां पर देख सकते हैं आप, ठीक है। दो नोटिफिकेशन आरआरबी की आई थी, उन दो नोटिफिकेशन में एक 12वीं पास है और एक ग्रेजुएट है, क्लियर है। तो यहां पर हम दिखा देते हैं आपको, तो जब आप फॉर्म भरना चालू करेंगे तो आप दो चीजों को ध्यान रखिएगा। जब फॉर्म भरना चालू करेंगे, पूरी डिटेल तो आपको पता चल गई, फॉर्म भरना जब चालू करेंगे तो यहां पर इन बातों को ध्यान रखना कि आपको 5/2024 जो लिखा हुआ है सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन 5/2024, ये है ग्रेजुएट छात्रों के लिए। वहीं अगर मैं बात करूं 6/2024 जो लिखा हुआ है ये है आपके 12th पास यानी कि अंडर ग्रेजुएट छात्रों के लिए। तो दो फॉर्म आपके अलग अलग निकले हैं, दोनों फॉर्म को आपको अलग अलग भरना है। याद ये रखिएगा कि ग्रेजुएट वाले इन दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, कौन से, ग्रेजुएट वाले में और अंडर ग्रेजुएट में। वहीं अगर 12th वालों की बात करूं तो 6/2024 यानी अंडर ग्रेजुएट वाले में ही आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई करने
अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, नोटिफिकेशन में आइए और उसके बाद जो नोटिफिकेशन के यहाँ पर डिटेल दिए हुए उसे क्लिक करने के बाद आप फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि किसी प्रकार का अगर आपको फॉर्म भरने में कहीं पर भी अगर डाउट होता है बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं, सभी के डाउट के जवाब यहाँ पर सवालों के जवाब जो है दिए जाएंगे। आगे और किसी प्रकार की समस्या होता है तो जुड़े रहिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के साथ, हम आपके सभी सवालों को करवाएंगे और साथ ही साथ आपकी तैयारी को हम बेहतर बनाएंगे। धन्यवाद।